नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको सुना रही श्रीमद् भागवत गीता, तो जरूर सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधे राधे, शिव पार्वती माता पिता की जय हो। और आज का अध्याय है गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महात्म्य तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेव भयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयोदया, मनोजानत पाप पुण्य देही जानत आपदा। गीता सर्वकृष्ण जानत, माते जाने सो पिता, माता जाने सो पिता। दीदी लोचन सर्वाणा, विद नाना तय लोचन, सप्त लोचन धर्माणा, ज्ञानी न अनंत लोचन। बोलो श्री हरि श्री हरि। अब पहले अध्याय का महात्म्य सुनो। शिव पार्वती से इस भांति कहते हैं, शिव पार्वती से इस प्रकार कहते हैं, जिस प्रकार नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चंडाल का कार्य करता था और तेल नून नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नर्क भोग कर एक बैल की योनि में जन्म लिया। बोलो श्री हरि श्री हरि, जय श्री कृष्ण। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांगकर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती थी कि उसका बैल का ढंग से पेट भी नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वे फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। बोलो श्री हरि, जय श्री कृष्ण। कई दिनों इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में गिर पड़ा। वह मरने को था मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। वो इतना बीमार था कि मरने को था लेकिन उसके प्राण नहीं छोड़ते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते थे। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहां आई। उसने लोगों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं हैं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती। बोलो श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैं इस बैल के निमित्त किया। मैंने जो भी कर्म किए हैं मैंने उसका फल इस बैल के निमित्त कर दिया। उसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई, बैल के प्राण निकल गए। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तुम मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती हूँ, तू कौन है, तेरी मेरी क्या पहचान है? बोलो श्री हरि, जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ, तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता जो कि तूने मेरे निमित्त किया था। उसने कहा कि तूने मुझे कौन सा पुण्य दिया था, मुझे वो पुण्य बताओ। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया था। जान के कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है, वह सवेरे पढ़ता है,
मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण। तब विप्र ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र था, विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया। तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि जा रहे तू सुआ तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फदक मुझे पकड़ ले गया और उससे एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था, तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए, उन्हें धन तो प्राप्त हुआ ना। वह मेरे पिंजरा ही उठाकर ले गए। बोलो श्री हरि। वे मेरे पिंजरा को उठाकर ले गए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी, उसने मुझे इसके पास दे दिया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह सुनती है। तोते ने कहा कि मैं हमेशा सुबह नित्य गीता जी का पाठ करता हूँ और यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया है। सो लो, यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। बोलो श्री हरि। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए और वे नित्य प्रति स्नान करते और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करते। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वैश्य की पूजा करने लगे। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता जी का प्रथम पाठ श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। यह पहले अध्याय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया है। बोलो श्री हरि जय श्री कृष्ण। राधे राधे।